हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्यामिति से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो अन्य कोण ज्ञात करें। यानी यहाँ प्रश्न दिया गया है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यह नहीं दिया गया है कि कौन सा त्रिभुज लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक ठो फिगर बना लेते हैं त्रिभुज का, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। दिया गया किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो अन्य कोण ज्ञात करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज कोणों का अनुपात दिया हो गया ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि कोण ए बराबर, क्योंकि त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। तो माना कि कोण ए बराबर, यहाँ पर कितना दिया है, 2 है, तो इसको क्या मानेंगे, 2x डिग्री। उसी प्रकार कोण बी बराबर कितना है, 3 है, यहाँ पर क्या देंगे, 3x डिग्री। उसी प्रकार सी है, इसका कोण अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 4x डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या माने हैं, कोण ए का मान 2x माने हैं, कोण बी 3x माने हैं, कोण सी 4x दिए। अब जितना यहाँ दिया हुआ है, कोण ए कोण बी कोण सी, तो क्या करेंगे हम लोग, तो कोण ए का जितना, कोण बी का जितना, कोण सी का जितना मान दिए हैं, अब यहाँ पर इसलिए लिख करके कोण ए की जगह पर कोण ए का मान पुट करेंगे, तो कितना हो गया, 2x डिग्री। फिर कोण बी दिया है 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3x डिग्री। कौन सी कितना माने, 4x डिग्री, यहाँ पर 4x डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो 3, 2 और 3, 5, 5, 4, 9 कितना हो गया फ्रेंड्स, 9x बराबर कितना देंगे, 180। अब हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, क्योंकि यह तो गुना के रूप में है, यहाँ पर गुना है, 9x दिया हुआ है, तो उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो किसके रूप में बदल जाएगा, भाग के रूप में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 काट देंगे, 20 में कितना आ जाएगा, 180। हम लोग को कितना फ्रेंड्स प्राप्त हो गया, x का मान 20 डिग्री। अब जो x का मान 20 निकला है, उसमें दिया गया है कोण का मान ज्ञात करें, तो यहाँ लिखेंगे, कोण ए बराबर कितना माने है, 2x, लिखेंगे 2x इक्वल टू 2 गुने, ठीक है फ्रेंड्स। अब x का मान कितना निकला, 20, यहाँ पर लिखेंगे 20, दोनों गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 × 40 डिग्री। कोण बी माने हैं 3x, यहाँ पर कितना देंगे, 3x इक्वल टू 3 गुने, एक्स का मान कितना है, यहाँ पर कितना मान थे, 20 ना, यहाँ पर देंगे 20, 20 तक कितना हो गया, 60। कोण सी कितना है, 4x माने थे, बराबर 4 गुने, एक्स का जो मान है वो यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो गया आपका, 20 × 80 डिग्री। ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया रहेगा, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कोण ज्ञात कर सकते हैं, इनके सभी कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण 63 डिग्री हो, तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। यानी कि प्रश्न में दिया है कि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 63 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे, समकोण त्रिभुज दिया है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज
क्योंकि समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर दे दिया गया है समकोण त्रिभुज, तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये लंबा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दिया गया है समकोण त्रिभुज का एक कोण यानी कि न्यून कोण 63 डिग्री हो तो दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, इनका परिभाषा होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के कोण के माप जो है 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो तो वह क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है जो एक न्यून कोण कितना दिया है, 63 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ए है न्यून कोण, कितना दिया है 63 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे लोग 63 डिग्री, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर क्या दे दिए हम 90 डिग्री। और इसमें समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या है, न्यून कोण है, तो कितने डिग्री है, 63 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या दे दिए, 63 डिग्री, ठीक है। अब बोला है दूसरा न्यून कोण ज्ञात करें। अब ये जो रेस्ट बचा है इसका क्या होगा, मान निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा न्यून कोण बराबर एक्स डिग्री माना, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि दूसरा न्यून कोण कितना माने हैं, एक्स डिग्री, यहाँ पर कोण ए का मान कितना दिया है, 63 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री, ये कोण ए का मान दिया यहाँ पर, कोण बी का मान, तो ये तो कोण सी ना हो जाएगा, इसी का तो मान निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है, इसीलिए कोण ए का मान कितना है, 63 डिग्री, यहाँ पर क्या देंगे, 63 डिग्री, प्लस है तो प्लस देंगे। कोण बी का मान कितना है, 90 डिग्री, यहाँ पर क्या देंगे, 90 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस। कोण सी, कोण सी कितना माने हैं, यानी दूसरा न्यून कोण कितना माने एक्स डिग्री, तो यहाँ पर क्या देंगे, एक्स डिग्री बराबर 180 डिग्री, यहाँ पर एक्स डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसी का तो मान निकालना है हम लोगों को। अब क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 6 कितना हो जाएगा, 15 153 डिग्री, और प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब हमको चूंकि दूसरा न्यून कोण ज्ञात करना है तो लिखेंगे एक्स डिग्री इक्वल टू 180 जो कहती हूँ, और ये बायां पक्ष में 153 इधर जाएगा, दायां पक्ष में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना हो गया, 153 डिग्री। एक्स बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर कितना हो गया, 1 कैरी 10 10 में से 3 कितना हो गया, 7, यहाँ पर कितना हो गया, 8, 1 कैरी लिए थे इसमें कितना बच गया फ्रेंड्स, 7, 7 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 27 डिग्री। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग को जो ये दूसरा न्यून कोण है कितना प्राप्त हुआ, 27 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।